नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोविड की थर्ड वेव आए ना आए, आपके इलाके में डेंगी डेंगू आ गया है। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो डेंगू का आपके बच्चों को हो, आपको हो, किसी को भी इस प्रकार के सिम्टम हो, ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से शुरू हो जाना चाहिए। कोई स्पेशल एंटीबायोटिक एंटीवायरल नहीं है। डेंगू के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है रेस्ट एंड फ्लूइड। बहुत सारा पानी पीना है जितना हो सके, क्योंकि आपको फीवर कंट्रोल करना है, पानी खूब सारा देना है। और कोई भी एनसेड्स यानी कि पेन किलर, ब्रूफिन, एस्पिरिन या जो भी पेन किलर से दूर रहना है। सिर्फ और सिर्फ बुखार के लिए एसिटामिनोफिन यानी कि पैरासिटामोल आप दे सकते हैं, वो भी आपके उम्र, आपके वजन के हिसाब से। बच्चों को बच्चों के डॉक्टर से पूछ के, बड़ों को 500 या 650 मिलीग्राम दिन में हर 6-6 घंटे के इंटरवल में दे सकते हैं। और बुखार फिर भी ज़्यादा हो रहा है तो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं नॉर्मल या थोड़े से ठंडे, चिल्ड वाटर से नहीं, नॉर्मल या थोड़े से ठंडे पानी से। डिहाइड्रेशन ही मेन चीज़ है जो प्रॉब्लम करेगी। डिहाइड्रेशन आपको अवॉइड करना है। उसके लिए मेन इशू यही होता है, बहुत सारा पानी जो है लूज हो रहा है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है उसके हीट के वजह से, आप वॉमिटिंग कर रहे हैं उसके वजह से, बहुत पानी नहीं पी पा रहे उसके वजह से, आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है उसके वजह से। तो डिहाइड्रेशन इज द मेन की। तो इसीलिए जब पेशेंट एडमिट होता है उसको ग्लूकोज चढ़ता है, फ्लूइड चढ़ते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस चढ़ते हैं, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड चढ़ता है, प्लेटलेट बहुत ही कम हो गए हैं तो प्लेटलेट चढ़ता है। तो यही मेन ट्रीटमेंट है डेंगू का। आपको साइन देखना है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या साइन आएगा। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों में उनकी यूरिन जो है वो कम हो जाएगी, पेशाब कम होगा, मुंह सूखेगा, मुंह, टंग और लिप्स ड्राई होंगे, आंखों से आंसू बहुत कम आने लगेंगे, या आंखें जो है या हेड जो है वो अंदर दबे हुए से फील होंगे, आई शंकेन आईज ऐसा फील होगा आपको। तो बच्चों के लिए ये है। और सीवियर डिहाइड्रेशन होगा बच्चों में तो बच्चे ज़्यादा सो जाएंगे, सोते हुए दिखेंगे, एनर्जी नहीं होगी, आंखों एकदम अंदर दब जाएंगी, और पेशाब सिर्फ दिन में एक या दो बार आएगा यूरिन। तो इतना कम हो रहा है तो दैट मीन सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है। और कई बार उनके हाथ जो हैं वो ठंडे पड़ सकते हैं बच्चों के, छोटे बच्चे हैं तो। बड़ों के केस में अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा तो उनको प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, ड्राइनेस होगी, और उतना यूरिन नहीं आएगा जितना पहले आता था, और डार्क यूरिन आएगा, और स्किन जो है डार्क ड्राई फील होगी और ठंडी फील होगी, ड्राई और ठंडी, और सर में दर्द होगा माइल्ड डिहाइड्रेशन से। सीवियर डिहाइड्रेशन अगर एडल्ट्स को होगा तो उनका डार्क येलो और ज़्यादा यूरिन कम आएगा और चक्कर आने लगेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, कन्फ्यूजन होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, और आंखों के जो आईज है वो अंदर दबी सी शंकेन आईबॉल्स ये दिखेगी। याद रखिए 20 में से एक को लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है डेंगू। तो वार्निंग साइन क्या है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, दिन भर में 24 घंटे में 3 से ज़्यादा बार उल्टी आना, कहीं से भी आपके ब्लीडिंग होना, नाक से, मुंह से, लैट्रिन से, कहीं से भी, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी होना या सांस लेने में दिक्कत होना या हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये वार्निंग साइंस हैं। ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करिए, उसको मेन इलाज ग्लूकोस या आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत है। आईवी फ्लूइड्स बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल के अंदर। ऐसे पेशेंट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को असेस कर सकते हैं, इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं। घर पे वार्निंग साइंस वाले पेशेंट्स का मैनेजमेंट नहीं होगा, घर पे मैनेज करिए अगर आप सेफ लेवल पे माइल्ड डिहाइड्रेशन पे हैं, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपको डेंगू है, आपको डेंगू है तो अपने आप को फिर मच्छर से बचाइए, नहीं भी है तो भी मच्छर से बचाइए। लंबे स्लीव्स वाले कपड़े, लॉन्ग पैंट्स पहनिए, घर के अंदर ज़्यादातर रहिए, और मॉस्किटोज को बाहर रखिए, शील्ड लगाओ, विंडो लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, एयर कंडीशन है तो उसको यूज़ करो, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन EPA रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करो ताकि वो सेफ रहे, जैसे लेमन और यूकेलिप्टस, डी पिकार्डिन, पैरामिथिलीन डायोल, ऐसे कई सारे आते हैं ऑयल्स आते हैं, यूकेलिप्टस का ऑयल और दूसरे लेमन ग्रास, वो सारे आप यूज़ करिए जिससे मच्छर जो है दूर रहें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, कृपया इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से शेयर करिए। प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप तैयार रहेंगे तो कम लोग बीमार होंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।